आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बांदा जेल के जेलर समेत दो डिप्टी जेलर सस्पेंड कर दिए गए हैं। जेलर योगेश कुमार, डिप्टी जेलर राजेश कुमार, डिप्टी जेलर अरविंद कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। तीनों अफसर को लापरवाही बरतने के मामले में सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि तीनों अफसरों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी को लाने ले जाने के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में यह कार्रवाई हुई है और तीनों अफसर के निलंबन के दिन ही मुख्तार ने बांदा कोर्ट में अर्जी दी थी कि उसे जहर देकर मारने की साजिश रची जा रही है। और संजय त्रिपाठी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। संजय, किस प्रकार की लापरवाही हुई है और क्या कुछ इस जानकारी मिल रही है इस खबर पर? इन तीन अधिकारियों के निलंबन को लेकर के जो जेल मुख्यालय का कहना है जी, तीनों को मुख्तार अंसारी को पेशी के दौरान लाने ले आने में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें ये माना जा रहा है, जिस तरह के आरोप मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के वकील, मुख्तार अंसारी के परिवार वाले लगा रहे हैं, कि उसको खाने में चूना जहर दिया जा रहा है और उसकी हत्या की साजिश कुछ इस प्रकार से रची जा रही है। और जिस दिन ये शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था उसी दिन इन तीनों अधिकारियों को निलंबन किया गया है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो तार हैं ये आपस में जुड़ते हुए माने जा रहे हैं कि जो ये कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के जो आरोप हैं उसके आधार पर हुई है। मुख्तार अंसारी के परिवार वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से ना तो मुख्तार अंसारी से संपर्क हो पा रहा है, ना बात हो पा रही है, ना उनका हालचाल मिल पा रहा है। परिवार के लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। और गैंगस्टर कोर्ट में अभी कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई थी, उसमें भी मुख्तार अंसारी ने कहा था कि उसको स्लो पॉइजन देकर मारने की साजिश की जा रही है। संजय, संजय धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और अभिषेक भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए मुख्तार फैमिली पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं, ये पूरा मामला आखिरकार है क्या? देखिए आयुषी, मेरी बात भी हुई है मुख्तार अंसारी के परिवार से और उनका ये सीधा सा आरोप है कि मुख्तार अंसारी को खाने में जहर दिया गया है, स्लो पॉइजन दिया गया और उससे उनकी हालत काफी खराब हुई है। और ये जो भी संजय कह रहे थे यही एक बात है जो कि अपने आप में संदेह पैदा कर रही है कि एक और ये घटनाक्रम होना और साथ साथ में ये सस्पेंशन होना और क्या गया इन अधिकारियों के पास थी कि वो इन पूरे इतने हाई प्रोफाइल अगर प्रिजनर वहां पर है तो ये इन बात का ध्यान रखे कि वहां ऐसी कोई घटना ना हो पाए। और आपको याद होगा इसके पहले भी कुछ अटेम्प्ट हो चुके हैं मुख्तार अंसारी की जान पर। ठीक है, ठीक है अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।